जनपद में मंगलवार को जिला अस्पताल सहित 86 केंद्रों पर 45 साल के ऊपर 4488 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिससे प्रथम डोज लेने वाले 3092 लोगों का तथा सेकेंड डोज के 1396 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल, सीएचसी, पीएचसी सहित 86 केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया गया। उन्होंने कहा कि लोग जागरूक होकर मास्क का प्रयोग करें। सीएमओ ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे 86 केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रहा है और हर वैक्सीनेशन पर हमें मिनिमम 100 का टारगेट रखे हैं। टोटल हमें 8000 के ऊपर वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हमारी 20 अर्बन पीएससीज हैं और हमारी सीएससी और पीएससी पर चल रहा है। हमारी अपील है कि कोरोना क्रिटिकल फेज में चल रहा है और हमें हम सब लोग जानते हैं, जनता भी जानती है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। ये सिंपल सा सिस्टम अपनाने से, मास्क लगा करके अगर आप निकलते हैं, बाहर निकलिए, कहीं इधर उधर ना थूकिए, भीड़ भाड़ वाला के ना जाइए, जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाइए, जैसे कि आप एक लॉकडाउन की स्थिति में चल रहे हो। आप इस तरह से करेंगे तो कोरोना 2 हफ्ते के अंदर सेटल हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप सभी लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, जिससे कि देश का, हमारे जिले का और हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी आप सहयोग करेंगे और खुद आप सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।